नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्टर के साइलेंसर के ऊपर, क्योंकि जितनी खूबसूरत ये बाइक है उतना ही खूबसूरत इसके लिए साइलेंसर होना चाहिए। तो फिलहाल आज हमें स्वैगमैन वालों के पास में, तो इन्होंने इस गाड़ी के लिए एक खूबसूरत सा और अल्टीमेट साइलेंसर बनाया है। तो सबसे पहले चलते से साइलेंसर के लिए और दिखाते हैं कि वो साइलेंसर कैसा है और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एक बार दिखा दें आपके लिए खूबसूरत साइलेंसर, अल्टीमेट साइलेंसर। यहाँ पर दो साइलेंसर है, क्योंकि हर कोई जानता है इंटरसेप्टर ट्विन स्पार्क है और डबल सिलेंडर, डबल बैरल या डबल इंजन कहते हैं, तो उसके अंदर डबल साइलेंसर है। और वेट तो अल्टीमेट वेट है, स्वैगमैन का यहाँ ब्रांडिंग देख सकते हैं। तो एक बार आप मेरे को बताएंगे कि आखिर इसका ये डिफरेंट शेप का राज क्या है, कि आपने ये इस टाइप का एक यूनिक और डिफरेंट सा शेप कैसे रखा है, ये देखिए। मोनो जी, इसको बनाने के लिए माइंड में सबसे पहले एक पॉइंट ये रखा था जी, कि यूनिक बाइक के लिए जिन्होंने कैफे रेसर लुक दिया, एक्सपेंसिव है, उनकी प्रीमियम बाइक में से एक बाइक ये है, तो उसके लिए समथिंग डिफरेंट, कुछ एक हटके होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो फिर वो कंसेप्ट को रख के माइंड में इसको डिजाइन किया गया। ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर सिर्फ दो साइलेंसर नजर आ रहे हैं, बाकी चीजें कहाँ है? प्लेट, पत्तियां। हाँ, वो इसलिए कि इसकी जो फिटिंग है वो 0x0 है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ओरिजिनल फिटिंग है, जैसे यहाँ पे क्लैंप्स लगेंगे, यहाँ पे एक आपका प्लेट है, पत्ती है, वो सारी 0x0 है कि आपको ओरिजिनल उतारोगे, ओरिजिनल ही इसमें फिट हो जाएगा। आपको कोई जुगाड़ नहीं करना, कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले। आप अनबॉक्स कीजिए और डायरेक्ट उस पर फिट कर लीजिए, जहाँ पे जो ओरिजिनल चीज लगी है वही लगी। और ये पीछे से जो इस टाइप का इसका डिजाइन है, ये जो इसका पीछे से ये डिजाइन दिया गया है, स्मूथनेस दी गई है, वो सिर्फ इसीलिए दी गई है कुछ यूनिक लगे। एक जिस हिसाब से ये बाइक का परफॉर्मेंस है, 650 है, जूम करके निकलता है, तो उसके लिए ये एक लुक दिया है कि कुछ डिफरेंट दिखे, आई कैची भी हो, परफॉर्मेंस भी गाड़ी का अच्छा है और यूनिक दिखे। और इसका होल कहाँ पे दिया है और क्या उसका डायग्राम? इसका होल आपके नीचे पर जी। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान जब ये नीचे की साइड में छेद गया तो उसका माइंड होगा कि कहीं जो गैस है वो पूरी गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। हाँ, ये या उसकी वजह से ज्यादा गर्म हीट तो नहीं होगा? नो वाइस के लिए, या कह लो कि कुछ एक को ये थोड़ा सा रहेगा कि ये पीछे से तो क्लोज है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे से क्लोज होने की वजह से इसके परफॉर्मेंस में कोई इशू आएगा। okay. ऐसा कुछ नहीं है, आपका पिकअप भी बढ़ेगा, आपका माइलेज ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि जो अंदर का स्ट्रक्चर है हमारा सब सारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। Okay. अच्छा, तो इस वजह से इसका हमने नीचे रखा है, इससे वो कुछ वो नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, या कोई गाड़ी घुटेगी नहीं? नहीं, गाड़ी घुटेगी भी नहीं। अच्छा, इसके अंदर यूज क्या किया है आपने? हमने वही जो हम सिरामिक वूल यूज करते हैं, वही सिरामिक वूल इसके अंदर यूज किया, परफोरेटेड ट्यूब और सिरामिक वूल। और यहाँ पर ये जो दो होल दे रखे हैं पत्ती का, ये मैं आपको बता देता हूं, ये वाली जो आपका ओरिजिनल साइलेंसर में यहाँ पे एक प्लेट है, वो प्लेट बाकी किसी भी ब्रांड में वो फिट नहीं होती। okay. हमने वो कंसेप्ट दिया कि वो प्रॉपर प्लेट यहाँ पे फिक्स हो जी। और प्रॉपर पोजीशनिंग में आए, तो आप जब इसको अभी मैं आपको टेस्ट करवा के दिखाऊंगा, उसमें आपकी जो ओरिजिनल प्लेट है वो यहाँ पे लगेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं गाड़ी में लगा कि आखिर जितना वेट है, साउंड में उतना दम है या नहीं है। तो सबसे मेन है कि साउंड कैसा है इसका, तो एक बार गाड़ी पे लेके चलते हैं इसको और देखते हैं कि कैसी इसकी फिटिंग है, क्या ये आपके काम का है या नहीं है। चलिए गाड़ी। तो ये क्लिप है हमारी ओरिजिनल साइलेंसर के साथ, इसको हमें यूँ लगाना है और इसके बाद साइलेंसर को फिट कर देना है। इसके बाद इसकी ये प्लेट रहती है, और आपने कितने भी आफ्टर मार्केट जितने भी साइलेंसर खरीदेंगे, शायद ये प्लेट किसी में नहीं लग पाएगी। ये एक यूनिक चीज़ है इसके अंदर, इस तरह से। इसके बाद छोटा सा इसका स्क्रू है, इसको यहाँ नीचे से टाइट कर देना है। तो एक बार जल्दी से सारे नट बोल्ट टाइट कर लेता हूं मैं और फिर देखते हैं इसका साउंड कैसा है। चलिए एक बार देखते हैं, अब इसको देखिए जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है, क्या इसकी साउंड उतनी ही खूबसूरत है? Yeah.
आपको सिलेंसर पसंद आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आप इनको कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल मंगा सकते हैं। और मेरे में काफ़ी अच्छा लाइक बनता है, सिलेंसर यूनिक सिलेंसर है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।